तो भाई लोग कैसे हो। तो और वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पबजी धमाल गेम प्ले वीडियो में। देखो भाई, इस वाले मैच में अपन नोवा उतरा था भाई। हर बार की तरह इस बार भी अपन हॉट ड्रॉप करने के चक्कर में थे, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बंदे आए नहीं थे, गिने चुने दो तीन बंदे थे। अब इनको निपटाएंगे अपन। कोई जैसे अपने को टीपी मिलती है, फिर अपन एक बैग उठेंगे छोटा, देखिए हेलमेट और वेस्ट के नाम पे तो अपने पास कुछ कट्टू कुछ भी नहीं है अभी। और ये देखिए मेरे पैर को क्या ही बदतमीजी से चल रहा है, मतलब टेढ़ा भाग रहा है भाई। यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और यहाँ पर मैं किल चोरी करने वाला हूँ अभी। ये देखिए भाई, ये अपन ने किल चोरी कर लिया। अब आगे पर दो बंदे थे भाई, यहाँ पर मैंने रश कर देना चाहिए था, मतलब यहाँ पर अगर मैं रश कर देता तो शायद वो दोनों को मैं मार दे। और यहाँ पर एकदम सस्ता सफरे था अपना टीपी का, मतलब एम कनेक्ट ही नहीं हुआ भाई मेरा इस वजह से। भाई दूसरी भी किल चुराने की मेरी पूरी कोशिश थी पर मैं किल चुरा नहीं पाया। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ और आगे पर चला जाता हूँ। मतलब भाई ज़िंदगी में किल भी ज़रूरी होते हैं यार, पर इस वाले मैच में अपने पास किल नहीं था। मतलब यहाँ पर मेरा टीममेट किल लेकर चला जाता है। देखिए अब मैं क्या कहना चाहूँगा, मेरी गन रिलोड भी थी, वो बंदा सामने आ गया था तो मैं टीपी भी पीछे लेने के लिए लग जाता और उतने में मेरा टीममेट इसको मार देता है। मतलब रैंडमली टीममेट है यार भाई, और रैंडम किस तरह के होते हैं आपको पता ही है। और रैंडम टीममेट जो होते हैं ना भाई, वो किल एकदम आसानी से निकाल लेते हैं, मतलब अपने को किल करने ही नहीं देते। अब देखो भाई, वहाँ पर नोवो तो पूरा खाली हो चुका था, तो यहाँ पर शेल्टर के साइड एनिवर्सरी पार्क के साइड किसी ने फ्लेयर चला दी थी, तो अपन फ्लेयर पे जा रहे हैं अभी। भाई मेरे को लगा कि नोवो में अच्छे खासे बंदे आएंगे, पर बंदे तो कोई भी नहीं थे, बस गिने चुने दो चार बंदे जो भी थे वहाँ पर। एक हाथ बोर्ड की पेटी बना के निकलते अपन और सीधा यहाँ पर आते प्लेयर पे। ये देखिए भाई, यहाँ पर इस बंदे को कैसे ही हटवा देते हैं हम। बोले भाई जिंदगी में पहली बार एक ही टाइम में हेडशॉट बैठाऊंगा, वो भी मोशी नागिन से। यहाँ पर अपन ड्रॉप ड्रॉप लूट लेते भाई इनका, एक हाथ दो चार जो बॉट आते हैं उनको मार के अपन सीधा अपार्टमेंट जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे भाई के पास भी एक प्लेयर गन आ चुकी है, तो अब उस प्लेयर गन का भी हम कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे। देखो भाई, ज़्यादातर स्टार्टिंग में तो अपने ज़्यादा किल होते नहीं है, मैच ख़त्म हो तक के तुम्हारा भाई लेकिन बहुत अच्छे खासे किल निकाल लेगा गेम प्ले बने जैसे। भाई मुझे तो लगा था कि आज गेम प्ले बन ही नहीं सकता, मतलब भाई बहुत कोशिश कर रहा था मैं गेम प्ले बनाने की। तकरीबन रात के मेरे को 3 बज चुके थे गेम प्ले बनाते बनाते। और देखो भाई, तुम्हारे भाई ने फ्लेयर चला दिए और फ्लेयर आ भी चुकी है। अब यहाँ से जो अलग सीन स्टार्ट होंगे भाई, आप देखते रहना बस, मतलब क्या ही बंदे आएंगे और क्या ही पेटियाँ चमकेंगी। तो देखिए भाई, पहले स्टार्टिंग होती है हमारे बॉट भैया से। पहले तो ये बॉट को मैं मार के फिनिश कर देता हूँ, और इसका एक दोस्त भी था आगे। अब देखिए भाई, मेरे को तो पहले ये रियल बंदा दिखा, मतलब जब वो टीपी पी ले रहा था, ये देखिए मुझे देखते बराबर वापस भाग गया, तो मुझे लगा ये रियल बंदा है। फिर कंफर्म करने के लिए मैं AWM का स्कोप खोल कर ही रखता हूँ, तब पता चलता है कि भाई ये बॉट था। हाँ भाई, तुम्हारा भाई ने तो एटेक्स वहाँ पर पीछे गिरा दिया है, मतलब ड्रॉप के पास एटेक्स छोड़ दिया है, तो अब वही एटेक्स मैं वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए भाई, मेरे को जब पीछे से पड़ती है तो मैं क्या करने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिए भाई, बदला तो ज़रूर लेंगे। मतलब AWM प्लस क्रोधा यार भाई, क्या ही तबाही मचा सकते हो आप एरेंगल में, आज समझ सक रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए भाई आप, ये देखिए आप, पहला AWM का शॉट देखिए भाई, पहला AWM का शॉट तो अपने बॉट को छुटका दिया, ये दूसरा शॉट में दूसरा बंदा नॉक, और अब ये तीसरे की बारी, और भाई तीसरे को बॉडी पड़ता है गलत ही, और ये चौथे में पूरा का पूरा फिनिश।
भाई जैसे इसको ये स्क्वाड खत्म होती है उतने में सामने से एक बग्घी आ जाती है। तो तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी कि वो ओपन में ज़्यादा देर रुका नहीं, मतलब तुरंत ही अंदर आ गया। और मैं एक ESP फेंक देता हूँ, तभी देखिए इस टाइप का किस तरह से रश करते हुए आता है। और वह जितनी स्पीड में ये आया है उतनी स्पीड में लॉबी भेजा दिया अपन ने इसको। अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश कर रहा था भाई, पर वो पीछे जो उसका टीममेट बचा हुआ था वो बहुत परेशान कर रहा था, मतलब बस भागे जा रहा है इधर से उधर इधर से उधर भाई। रश तो वो कर नहीं रहा है, बस भागे जा रहा है मतलब, और उसकी चक्कर में मेरा टीममेट मर जाता है। वैसे भी जाने दो यार भाई, अच्छा ही हुआ जो मेरा टीममेट मर गया। भाई मेरी किल चोरी कर लेता यार वो, मतलब जितने किल अभी मेरे हैं उतने हो नहीं पाते। देखो भाई ये बंदा ज़्यादा ही चालाक, मतलब कि भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही चालाक था। मैं जा 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 रहा हूँ, वो मेरे से आगे निकल जा रहा है, मतलब मैं यहाँ ऊपर की साइड आता हूँ मुझे वो अंदर ही देखा, मतलब वो अंदर ही था भाई, अंदर ही था मतलब वो अंदर ही था। जैसे ही मैं ग्रेनेड करता हूँ और वो सीधा पीछे की तरफ भाग जाता है, मतलब देखिए आप वो चला रहा है मेरा पीछे और मुझे पता भी नहीं चला। और भाई मेरा ग्रेनेड मेरे पे ही फटने वाला था अभी जल्दबाजी के चक्कर में। तो देखो यार भाई वो बंदा तो मुझे आगे पर स्पॉट हो चुका है, तो अब देखिए भाई कैसा मारते इस बंदे को। मतलब वो बंदा तो पहले भी मुझे स्पॉट हो चुका था, मतलब पीछे जा चुका है। तो मैं नीचे आता हूँ और हेली मिलिंग मिलता हूँ, सॉरी ऊपर आता हूँ और थोड़ी बहुत हेली मिलिंग मिलता हूँ। और उतने में ये तो एक गाड़ी और आ जाती है और उस पर एक ही बंदा होता है, मतलब वो मेरे आंखों के सामने मेरा किल चुरा जाता है एक बॉट का। देखिए आप ज़्यादा अब इसका टीममेट तो यार दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था भाई। भाई इसको मार के अपन नीचे की साइड आते हैं, भाई लूट की कमी थी अपने को तो इसीलिए। ये देखिए भाई ये बॉड भैया वो देखिए हमारे सब लूट उठाने के लिए आए थे भाई हमारे। तो भाई इसको भी पेटी वेटी डालते हैं अपन और सीधा यहाँ से निकलते हैं। अब आगे की साइड गन साउंड की आवाज़ आई थी मुझे, इसलिए मैं इस साइड में आया। तो वही यहाँ पर आके पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ तीन ही बंदे बचे हुए हैं, चार ही बंदे बचे हुए और चार में से एक मैं, यानी कि तीन बंदे बचे हुए हैं। तो एक बंदा यहाँ पर पहाड़ पे होता है रोजॉक की पहाड़ी के नीचे, वही पहाड़ी जो होती है वहाँ पर। तो देखो भाई इस बंदे को अपन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से ही कुचलना है, वही नीचे उतरना नहीं चाहता था मैं, मतलब मज़ा आ रहा था इसको सताने में बहुत, इसीलिए वही नीचे उतर ही नहीं रहा था तुम्हारे। और भाई आपने देखा होगा अभी अभी लेफ्ट साइड में जो है तो ड्रॉप आया हुआ है। भाई इसको जैसे ही अपन कुचल लेते सीधा ड्रॉप की तरफ बढ़ जाते, और तभी मुझे पता चलता है कि ड्रॉप के पास ही एक बंदा है। तो देखो भाई इस बंदे को मारने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, ये अपने आप ही मर गया, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। अब आप ज़रूर देख लीजिए कैसे क्या मर गया और कैसे क्या मर गया। भाई सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको डैमेज दिया था और ये बाद में अपने आप ही मर गया, मतलब क्या ही ज़बरदस्त सीन था भाई। भाई मैं इस बंदे को टीपी भी लेता और पीछे से हमारे भुटिया भैया आ जाते, मतलब बोर्ड भैया आ जाते हमारी KD प्लस करने के लिए, बॉट को मारने के लिए। भाई झाड़ी में एडजस्ट के लिए 1 लाख तो बनता है, मतलब बॉट को मारा है भाई झाड़ी में एडजस्ट करके तो 1 लाख जरूर करना। देखो भाई मैं मॉल ही करता हूँ और अपन ने एक ESP फेंक चुका था आगे, मतलब अभी एक और फेंकने वाले अपन यहाँ पर। अपन जो है तो बेफालतू के बस ग्रेनेड अपन करे जा रहे हैं जो जिंदगी में कभी फटते ही नहीं, बहुत ही सस्ते नेड है हमारे। तो भाई तीनों के तीनों नेड फेंकने के बाद, एक मॉली फेंकने के बाद मैं सोचता हूँ भाई थोड़ी बहुत पेन किलर वेन किलर मार लेता हूँ, फिर उसके बाद में ESP फेंकेंगे अपन आगे। और हाँ भाई ये बंदा कैसे मारा हम उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। देखिए आप ज़रा मैं सिर्फ और सिर्फ इसे डैमेज देता हूँ, ये जो ESP देखा हुआ है इसी के वजह से वो मर जाएंगे, मतलब क्या आप देख सकते हैं। देखिए भाई खत्म। अब
बात करते हैं कि भाई वो बंदा कैसे मरा। अब देखो भाई, मैंने फेंका हुआ था एक TSP और वो TSP में स्पॉटेड हो चुका था। अब जैसे ही मैंने उसे डैमेज दिया और ये अपने जो ESP का करंट का झटका होता है ना, मतलब चर्र चर्र करने वाला, तो भाई उसी करंट के कारण वो मर चुका। तो बस यार भाई लोग, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।